वेलकम फ्रेंड्स, आ जाओ जल्दी से। आपकी जीरो लेवल की गणित की क्लास शुरू हो चुकी है। एक ऐसी उम्मीदों भरी क्लास जहां से आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है, एकदम जीरो हैं, आज से टेंशन छोड़ दीजिए, गणित आपको आने लगेगी। बस आप जीरो लेवल की गणित की क्लास को ज्वाइन करें और देखते रहें। जिनको कोई इंक्वायरी करना है, व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। जीरो लेवल मैथ आज क्लास 7th का लास्ट भाग है, क्योंकि कक्षा 7 तक की गणित खत्म हो गई है। अब हम 8 और 9, 10 की गणित देखेंगे, जिसमें 10 की चल रही है, 9 और 8 की शुरू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना और पूरा देखना, जाना मत भाग के। फर्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, यानी कि एक वस्तु का जो प्रिंट प्राइस है वो 500 रुपीज़ है, वो 10% बट्टे पर, बट्टा मीन्स डिस्काउंट, 10% के डिस्काउंट पर बेची जाती है। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब SP सेलिंग प्राइस बताना है। तो ध्यान देना, पूरा देखना, जरूर समझ में आएगा। मैं राजकुमार सुल्तानपुरी आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको मैथ आने लगेगी। मैंने सुल्तानपुरी इसलिए बोला क्योंकि जन्मभूमि बहुत प्यारी होती है हर किसी को, है ना। तो चलिए देखते हैं। देखिए इसमें दिया क्या है, पहले उसको लिख लेंगे। आप क्वेश्चन में देख रहे हो, कह रहा अंकित मूल्य दिया है 500, हमने लिख लिया प्रिंट प्राइस, डिस्काउंट दिया है 10%। तो पहले आप ये सोचिए कि जो वस्तु है उस पर छूट कितना रुपया की मिल रही है। भाई वस्तु पर आप अभी नमकीन लेने जाइए, उस पर लिखा होता 70 रुपये, मिलता है 55 रुपये, है ना। अभी आप कोई भी सामान आप मार्केट से लेके आते होंगे, उस पर जो कंपनियां होती हैं इतना ज़्यादा उस पर प्रिंट छापती हैं कि दुकानदार उसका दोगुना मतलब लाभ ले सके। आप कोई भी वस्तु लेकर देख लीजिए, अभी आप सरसों का तेल खरीदिए, उसमें देखिए 160 रुपये, 50 रुपये लिखा होता है, मिलता 100, 110, 120 में। तो ऐसे हर चीज़ में होता है। तो क्या वो सब कंपनियाँ बेवकूफ़ थोड़ी होती हैं, वो खुद लाभ लेती हैं, उतना कम में बेचने पर भी दुकानदार लाभ पाता है। आगे देखिए फिलहाल इसको। तो 500 का वस्तु है, 10% का अगर छूट दे रहा है तो कितना रुपए का छूट दे रहा है, इसको निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप, इसका निकाल लीजिए कितना रुपया होगा, यानी कि बट्टा बराबर 500 का 10% ना, तो 500 का 10%। देखिए मित्रों, जब आप यहाँ से का हटाओगे तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, 10% का चिन्ह हटाओगे तो 100 से भाग हो जाता है। इसको हमने आपको बहुत बार बताया है, तो ये आसान है। 100 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 5 आएगा, 100 × 5 = 500, 5 का 10 में गुणा करोगे तो 50 रुपया हो गया। मतलब अब क्लियर हो गया कि वो वस्तु जो है, जो 500 रुपये की थी, उस पर 10% का बट्टा देने के बाद उस पर 50 रुपये की छूट मिल रही है। तो 500 की थी, 50 रुपये की छूट मिल रही है, तो कितने की मिलेगी, 50 उसमें से घटा दो। अब यहाँ पर आप नीचे लिखोगे, अतः वस्तु का विक्रय मूल्य, क्या लिखोगे, वस्तु का विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस बट्टा, लिख लेना अंकित मूल्य माइनस बट्टा। तो अंकित मूल्य है 500 माइनस बट्टा है 50, इस तरह से आपका आ जाएगा 450 रुपये। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके सामने हो चुका है। अगले क्वेश्चन देखिए मित्रों, आज की क्लास गागर में सागर होने वाली है, क्योंकि लाइव में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। इसमें टाइम सेव करेंगे हम, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सवालों को शामिल करेंगे। एकदम संजीवनी है आपके ये जो भी क्वेश्चन है, जिनको मैथ में कुछ भी नहीं आता, बहुत आसान होगा उनके लिए। देखिए 8 की पावर 5 - 5, इसका मान क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो 1 सेकंड के अंदर। इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, हमने आपको बहुत पहले बता दिया है। आप इसको पहले घटाओगे तो क्या आएगा, 8 की पावर 0 हो जाएगा। और ये अपने मन में बैठा लीजिए, किसी भी संख्या चर या अचर पद का घात जब 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, यानी कि इसका जो टोटल वैल्यू है क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ में आया ना। इसी तरह से आप कुछ भी नंबर लिख लो, जैसे मैंने लिख लिया 19 की पावर 0, इसका मान क्या होगा, 1 होगा। 101 लिख लो, उसकी पावर 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये तरीका होता है, याद रखना, कभी भी अगर किसी भी संख्या या फिर चर अचर का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होगा, कितना भी बड़ा वो क्यों ना हो। जैसे ये मान लो ऐसे लिखा गया है, कुछ भी लिखा गया है, अगर घात 0 है तो उसका मान 1 आएगा, बस आपको कुछ नहीं करना, केवल 1 आएगा। अगला देखिए, इसमें पॉइंट लगा है 0.01, इसका मान बताना है, कैसे बताओगे, सिंपल सी बात है। इसमें एक काम करना है आपको, जो अंक लिखा है उसको ऐसे लिख लो चुपचाप, बाकी कुछ नहीं करना है। 1, 2 अंक के बाद, यानी कि 2 डिजिट बाद पॉइंट लगा है, डेसिमल लगा है, आप एक बड़ी सी लाइन खींचोगे और 2 0 लगा दोगे, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, और ये 0 अच्छा नहीं लग रहा है, इसके आगे 1 लिख दोगे,
मतलब अकेले जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो इसी तरह से आपको हर जगह करना है, कोई भी सवाल इस तरह का हो आप उसको बता ले जाओगे। जैसे एक सवाल मैं आपको देता हूँ, ये देखो इसका मान क्या आएगा, इसमें चुपचाप आपको जो नंबर है उनको लिख लेने हैं। 303 एक बड़ी सी लाइन खींचना है, 123 थ्री डिजिट है तो यहाँ पे 30 लगा दो और इसके आगे 1 लिख दो, बस ये तरीका होता है डेसिमल वाला सवाल करना। कमेंट करके ज़रूर बताना ये क्लास आपको कैसी लगी, और अगर अभी तक लाइक नहीं किया ना तो ये भूल मत करना, तुरंत कर देना। आगे देखते हैं, अगर किसी क्वेश्चन पर बार लगा होता है तो वो बहुत बड़ी आफत होती है आप लोगों के लिए, है ना, होता है ना। ये बहुत आसान है, एक मिनट के अंदर आपको आ जाएगा, कभी ना भूलेगा। क्या करोगे, जो नंबर है उसको ऐसे लिख लो चुपचाप, जितना डिजिट पे बार लगा है, 1 डिजिट पे है ना, उतना बार 9 लिख दोगे बस। इसका विस्तृत अध्ययन हमने करवा दिया है, आप कमेंट करना, मैं बता दिखा दूंगा, लिंक मिल जाएगी आपको, ठीक ना। और दूसरी बात, इसको आप करोगे कैसे, देखिए ये 0.4 पे बार है, इसका मतलब ये होता है कि ये 0.44444 ये बार बार आया था, कटा नहीं था कभी। तो इसको एक बार x के बराबर मान लेते हैं, समीकरण 2 बन जाता है, दोनों समीकरण हल करते हैं तो ये 4/9 आता है। ये मैंने आपको ट्रिक के रूप में बता दिया। अगर इस तरह का कहीं भी आता है, जैसे अगर आपको एक सवाल और बताऊं मैं, 5, 6, 7 है, तो आप क्या करोगे, अगर दोनों डिजिट पे बार लगा है तो इसका आंसर हो जाएगा 5, 6, 7/3 × 9, 9, क्योंकि 3 डिजिट पे बार लगा था ना। जितना डिजिट पर बार होगा उतना डिजिट नीचे 9 बढ़ा देते हैं। ये था एक सिंपल सा फंडा। आगे देखना नेक्स्ट सवाल, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, अगर छोड़ के जाओगे तो बहुत पछताओगे। 0.37 के ऊपर बार लगा है, क्या करना है, नंबर को लिख लेना चुपचाप बिना किसी डर झिझक के। तो 37 को लिख लिया, एक बड़ी सी लाइन खींचना है, 2 डिजिट पे बार लगा है, नीचे आपको 29 बढ़ा देना है, बस ये आंसर हो गया शॉर्टकट में। बाकी बेसिक रूल अगर करोगे तो मैंने आपको बताया, ये लगेगा एक पेज में। इस पे देखो क्या करोगे भाई, ज़रा सिंपल सा दिमाग लगाना। ये है 0. थोड़ा सा गड़बड़ लिखा था मैंने, गड़बड़ कर दिया, 0.05³। इसका मान क्या आएगा, आप लोगों के मन में बहुत सारा उलझन होती है ऐसा सवाल देखने पर। कुछ भी नहीं करना जी इसमें, देखो ये 5 है ना, तो 5 का क्यूब कर लोगे कि नहीं, हर कोई कर लेगा, 125 होगा, 5 × 5 × 5 करोगे तो 125 आएगा। आपको यहाँ पर चुपचाप पहले 125 लिख देना है, लेकिन इतना स्पेस बनाना आगे पीछे कि कुछ लिखा जा सके, क्लियर। ज़रा गौर करना, यहाँ पर 1, 2 डिजिट पर डेसिमल लगा है ना, 2 डिजिट पर डेसिमल लगा है, कितने पर लगा है, 2 डिजिट पर। पावर कितनी है, घात 3 है ना, तो इसमें 3 से कर दो गुणा। अब आप कहोगे ये काहे कर रहे हो, मतलब है 3 का गुणा क्या 6 आया ना, 6 आया। अब आपको यहाँ पर जो डेसिमल लगाना है वो 6 डिजिट पर लगाना है। अब आप कहोगे यहाँ पर तो 3 डिजिट है, 3 ही अंक है तो 6 कहाँ से लाएंगे, लाना पड़ेगा जी, उसके लिए आपको 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 3 बढ़ा लिया, सही है, कतई नहीं सही है, क्योंकि ये तो सारा फंडा ही बदल गया, कहाँ 125 था और कहाँ ये आपका 125,000 हो गया, बिल्कुल गलत है, ये सरासर गलत है। तो 0 हम बढ़ाएंगे लेकिन तरीका अलग होगा, उसको 0 आगे बढ़ाएंगे। इसको क्या पढ़ोगे अब, क्या 125,000 पढ़ोगे, नहीं ना, इसको अभी भी 125 ही पढ़ेंगे, लेकिन हमारा काम भी हो गया और अगले को प्रॉब्लम भी ना हो, मैथ के नियम का उल्लंघन भी ना हो, क्योंकि भारत के संविधान में भी कहा गया है कि आप अपनी जीविका को चलाने के लिए अपना मनपसंद का कोई भी काम कर सकते हैं, बशर्ते वो और लोगों की आज़ादी का हनन ना करता हो। ये नहीं कि अगर आपको दुकान लगाना है तो बीच हाईवे पर लगा लो, भाई मेरा अधिकार है, उससे लोगों को प्रॉब्लम होगी तो वो आपका अधिकार नहीं होगा, लेकिन आप साइड में लगा सकते हो। बात समझ में आई, नोट कर लो जल्दी से। क्लास छोटी होगी, देखिए रक्षाबंधन के टाइम पर जो भी क्लासें होंगी थोड़ा छोटी होंगी, लेकिन वो क्लासें आपके लिए भरपूर मज़ेदार होंगी भले छोटी हों। ये डेमो क्लास आप देख रहे हो, जिसको ज्वाइन करना नंबर पर कांटेक्ट करें और डेली क्लास करें, अवश्य ज्वाइन कर लें, बिना ज्वाइन किए आप कंप्लीट क्लास नहीं पाओगे। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है, आप लोगों का इतना सारा सवाल आता है कि देखते देखते मुझे अनुभव हो गया कि आप लोग चाहते क्या हैं। इन सवालों में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, चाहे आप TET की परीक्षा देने वाले हैं, CTET की परीक्षा देने वाले हैं, यहाँ तक कि कुछ लड़के बच्चों के पापा मम्मी भी बन चुके हैं, लेकिन उनको तब भी प्रॉब्लम इसमें होती है, ये अलग बात है, वो अलग बात है। देखिए इसको कैसे करेंगे, इसमें सिंपल सा क्या करना है, आपको पहले तो चिन्ह मैनेज कर लेना है, बाद में सवाल लगा देना है। तो पहले चिन्ह का सारा झंझट खत्म कर दीजिए, जिससे
आपको पता होगा, किसी को अगर दो बीमारी होती है तो पहले एक की दवा खाया जाता है। ये नहीं कि दोनों की खाओगे ना तो ना फिर रोगी रहेगा ना रोग, तो ऐसा नहीं करना। तो इसमें देखो माइनस भी लगा है और गुणा भी है और ये भिन्न भी है। तो पहले हम माइनस का फंडा क्लियर करते हैं। तो क्या करोगे, माइनस देखिए यहाँ पर कुछ होगा नहीं होगा ना, कोई उपाय नहीं माइनस हटाने का, तो इसको सीधा गुणा कर लो। पहले गुणा का चिन्ह लगा है ना, तो दो का तीन में गुणा कर लोगे सीधा सीधा, तो ये हो जाएगा माइनस छः बटा सात और धन एक। इतना समझ में आया, अब कुछ दिमाग लग रहा होगा। इसके नीचे एक छिपा लीजिए, अब क्रॉस मल्टीपल करोगे तो छः का एक में करोगे, ये प्लस में है ये माइनस में है। हमेशा माइनस और प्लस का जो मल्टीपल है माइनस होता है, और प्लस इंटू माइनस का मल्टीपल माइनस होता है, प्लस इंटू प्लस का प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस का प्लस होता है। एक बात याद रखना, जब दोनों चिन्ह एक समान होंगे तो प्लस आएगा, अगर अलग अलग होंगे तो माइनस आएगा। ये काहेली मैंने बताया, इसके लिए बताया कि जब माइनस छः का गुणा एक में करोगे यानी कि धन एक में, तो कितना आएगा, ये आपकी उलझन दूर करने के लिए। बात समझ में आई ना, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है ये, फंडा क्लियर करने वाली क्लास है, देखते रहना जाना मत। तो ये हो जाएगा माइनस छः, इधर क्रॉस मल्टीपल करोगे तो सेवन और ये सेवन, इस तरह से आपका सात और छः, देखो एक प्लस एक माइनस है, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं, घट जाएगा, ये बड़ा है इसलिए प्लस में आएगा, प्लस वन अपान सेवन है ना, कितना मज़ेदार। आज टाइम नहीं वेस्ट करना, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, सेव करना है। वो तो लाइव में आ जाते हैं तो थोड़ा हम भी मज़ा ले लेते हैं, आप भी ले लेते हैं, वो अलग बात है। चलिए आगे, ऊपर का मल्टीपल करो नीचे का, क्योंकि मल्टीपल में अंश अंश का, हर हर का मल्टीपल करते हैं। अंश को इंग्लिश में न्यूमरेटर एवं हर को इंग्लिश में डेनोमिनेटर कहा जाता है। तो पाँच दूना दस, माइनस प्लस का फंडा समझ गए ना, ये प्लस में है ये माइनस में है, एक चिन्ह प्लस एक माइनस, तो माइनस आएगा। ये दोनों प्लस प्लस हैं तो सात त्रिकिया इक्कीस, ना कटेगा ना पिटेगा, क्योंकि इन दोनों में 36 का आंकड़ा है। ये सम संख्या है, ये विषम संख्या है, तो सम विषम संख्याएं आपस में कभी भी कटती नहीं। इसमें भी वैसे करोगे, लेकिन इसमें एक बहुत प्लस पॉइंट है कि ये देखो इन दोनों में घोर शत्रुता है, ये कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे, क्योंकि एक समान है, चिन्ह भी समान है, और ये एक पक्ष में है और दूसरे पक्ष में है, एक दूसरी पार्टी में, दूसरा दूसरी पार्टी में, हम पार्टी का नाम नहीं लेंगे यहाँ पर। आगे क्या करोगे, अब ये कट गया माइनस वन आया, यहाँ पे कट गया माइनस वन आया, मल्टीपल कर लो जल्दी से, सेवन वन जाइए माइनस सेवन, इसको मल्टीपल करोगे फाइव का वन में, माइनस वन माइनस फाइव मल्टीपल करोगे, माइनस माइनस टकराएगा, लोहा से लोहा टकराएगा, तो चिंगारी निकलेगा यानी कि प्लस में हो जाएगा। बात समझ में आया ना, थोड़ा सा मज़ेदार, थोड़ा सा समझने लायक क्लास होती है, तो देखना ज़रूर। ये आपकी डेमो क्लास थी, याद रखना आपकी डेमो क्लास है। मित्रों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखना, उसमें आपको बहुत सारी अपडेट दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें, अगर आप वास्तव में मैथ सीखना चाहते हैं, मैथ में आपको कुछ नहीं आता है, तो आप अवश्य आज ही ज्वाइन करें। कंप्लीट बेसिक मैथ आप पाएंगे कक्षा 8 तक का, मात्र 549 के वन टाइप पेमेंट पर, ये कि नाम मात्र का है। अगर आप कहीं कोचिंग करोगे तो महीने भर में टैक्सी का किराया इससे ज़्यादा हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो बताना, इसका दोगुना दूंगा। कहीं भी अगर आप कोचिंग जाओगे तो पर मंथ में इससे ज़्यादा किराया हो जाएगा। अगर आप इसको करेंगे तो हमारी टीम आपके लिए और भी उत्साहपूर्वक कार्य करेगी, और आप नंबर पर संपर्क करें। अगर इसको नहीं करना है तो बिल्कुल ना घबराना, YouTube पर आपको बहुत सारी क्लास हम देते रहेंगे, लेकिन कंप्लीट नहीं मिल पाएगा। ये प्रॉब्लम होगी कि आपको कुछ ही टॉपिक सीमित क्लास मिलेगी, अगर आप ज्वाइन करोगे तो आपको असीमित मिलेगा। और 60% पेड वाली क्लास को भी फ्री में देखने के लिए PBR स्टडी की ऑफिशियल फेसबुक पेज को आज ही लाइक करें और फॉलो कर लें। फेसबुक पर जा करके सर्च करना है, जहाँ पर फ्रेंड वगैरह सर्च करते हो, PBR स्टडी। करंट अफेयर GKGS अन अपडेट के लिए PBRstudy.com अवश्य विजिट करें। चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। मैं राजकुमार दुबंसी इसी बातों के साथ इसकी क्लास को आज यहीं पर एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। देखते रहना और दिखाते रहना आपका अपना PBR स्टडी। इस वीडियो को शेयर करके जाना।